आई होप कि सब मज़े से होंगे। आज की वीडियो में मैं बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा तुम्हारे तुमने तो कटिंग करवा के बालों का सत्यानाश कर लिया था और इतने बाल थे, सडनली तुमने ऐसा क्या मेडिकल यूज़ किया है कि तुम्हारे बाल मतलब जैसे तुम्हारी पहले लेंथ होती थी वैसे ही लंबे हो गए, तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट करवाया है? बहुत से लोग सोचते थे शायद मैंने PRP करवा लिया है या मैं इधर UAE में आई हूँ तो कोई मैंने इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवा लिए हैं या कोई इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ, बायोटीन वगैरह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो जिसकी वजह से मेरी हेयर ग्रोथ फिर से हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ किया, कोई पैसा खर्च नहीं किए और इन फजूल चीज़ों से पैसे खर्च करने से अच्छा है बंदा थोड़ी ड्रेसिंग वगैरह पे, ज्वेलरी वगैरह पे पैसे खर्च कर ले। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इसका राज क्या है कि मेरे बाल फिर से अपनी जो मेरी लेंथ हुआ करती थी लॉन्ग हेयर्स पे वापस आ चुके। तो इसका ये राज है एक मैजिकल सा हेयर ऑयल जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, अपना सीक्रेट हेयर ऑयल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा कि ये कौन कौन से हेयर्स ऑयल हैं जिनको कंबाइन करके ये मैजिकल ऑयल बना है, इसको यूज़ कैसे करना है और क्या मेथड है, इन सब चीज़ों के लिए आपको देखनी पड़ेगी फुल वीडियो एंड तक। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो आपका इंतज़ार करते हैं हम ख़त्म, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑयल रेडी करने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स मतलब कि जिन ऑयल्स की ज़रूरत है पहले हम वो देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से ऑयल्स चाहिए और फिर हम इसकी जो रेसिपी है वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है, इसकी क्वांटिटी आप कीप इन माइंड, लिक ऑयल्स बता रही हूँ और जितनी क्वांटिटी बता रही हूँ आपने सेम वैसे ही लेना है, वही ऑयल लेने हैं और सेम क्वांटिटी आपने रखनी है। तो सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूँगी आमंड ऑयल। आमंड ऑयल है मेरे पास 100 ml, आमंड ऑयल में ऐड करूँगी 100 ml। कैस्टर ऑयल भी मैं ऐड करूँगी 100 ml। ब्लैक क्यूमेन ऑयल मींस के कलौंजी का तेल, ये भी मैं ऐड करूँगी 100 ml। एलोवेरा ऑयल, ये भी मुझे 100 ml ही चाहिए एलोवेरा ऑयल भी, लेकिन ये 250 ml है तो मैं इसको 100 ml की क्वांटिटी से इसमें एडजस्ट कर लूँगी, डाल लूँगी। कोकोनट ऑयल चाहिए मुझे 300 ml। ये सारे ऑयल जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ ये सारे मैं लूँगी 100 ml में, और ऑयल मैं लूँगी 200 ml। ये 300 ml की बॉटल है लेकिन इसमें से मुझे 200 ml चाहिए, तो कोकोनट ऑयल मैं ऐड करूँगी 200 ml। नेक्स्ट मेरे पास है जिंजर ऑयल, जिंजर ऑयल मैं ऐड करूँगी 200 ml, ये 200 ml ही है, इसको हम फुल ऐड करेंगे, जिंजर ऑयल 200 ml। वर्जन मस्टर्ड ऑयल मींस के प्योर जो मेरे पास मस्टर्ड ऑयल मैं लेने जा रही हूँ वो भी 200 ml है। सो ये जो थ्री ऑयल्स हैं, कोकोनट ऑयल, जिंजर ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल, ये तीनों मैं लूँगी 200 ml, और ये जो फोर्थ ऑयल हैं, कैस्टर ऑयल, आमंड ऑयल, ब्लैक क्यूमेन ऑयल एंड एलोवेरा ऑयल, ये चारों मैं लूँगी 100 ml। बहुत ही ईजी है, फोर ऑयल्स हमने 100 ml में लेने और थ्री हमने 200 ml में लेने। फोर मैं इसमें ऐड करूँगी विटामिन ई कैप्सूल, ये हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी के ये ऑयल्स मिक्सअप कैसे करने, किस किस क्वांटिटी से ऑयल करने
और साथ ही साथ में आपको इनके बेनिफिट्स भी बताती जाऊंगी कि इन ऑयल्स को हम हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ करने जा रहे हैं तो इन ऑयल्स में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिसकी वजह से हम ये ऑयल बनाने जा रहे हैं, ऑयल का मिक्सचर, और ये हमारे बालों के लिए क्यों बेनिफिशियल है। सो लेट्स सी, मैं ले लूँगी इस तरह का जार ले लूँगी। ये मेरे पास ग्लास जार है, इसमें हम सारे ऑयल्स मिक्स कर लेंगे और एयर टाइट भी है। और जब हम ये सब मिक्स कर लेंगे तो आप इसको ट्राई कीजिएगा कि किसी सनी एरिया में रखें, जहाँ लाइक जस्ट लाइक के किसी विंडो के पास रख लें, जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आती रहे कभी कभार, जैसे ही आप विंडो ओपन करें धूप आती जाती रहे, ताकि इसमें थोड़ा विटामिन डी भी ऐड होता रहे। मस्टर्ड ऑयल, वर्जिन मस्टर्ड ऑयल है जो हमने 200 ml लेना है। मस्टर्ड ऑयल क्या करता है? मस्टर्ड ऑयल हमारे बालों को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जो कि मेजर कंपोनेंट है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए। प्रोटीन प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोवाइड करता है। ये दोनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मींस के प्रोटीन एंड ओमेगा 3, ये हमारे बालों को नरिशिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ मस्टर्ड ऑयल एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तो किसी भी तरह का हमारे स्कैल्प में जो इन्फेक्शन हो सकता है या हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ होती है, वो इसको प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऑयल है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी हमारी स्कैल्प में तो ऑटोमेटिकली हमारी हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी। जिंजर ऑयल भी मैं 200 ml ले रही हूँ। जिंजर ऑयल में भी बहुत से फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हैं। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हेयर फॉलिसिस को स्टिम्यूलेट करता है एंड इनक्रेज करता है फॉर हेयर ग्रोथ, मींस कि ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन हेयर स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और इसमें ऐसे फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो बेनिफिशियल हैं फॉर हेयर ग्रोथ। थर्ड ऑयल जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी मैं लूँगी 200 ml। कोकोनट ऑयल क्या करता है? कोकोनट ऑयल भी हमारी स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कोकोनट प्रमोट करता है हमारी स्कैल्प हेल्थ को, फाइटिंग अगेंस्ट सच प्रॉब्लम्स सच एज इंसेक्ट बाइट्स, लाइस एंड डैंड्रफ। हमारे बालों में जो जुएं आ जाती हैं, डैंड्रफ आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट आ जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट ये फाइटिंग करता है और हमारी स्कैल्प हेल्थ को ये प्रमोट करता है। नरिशिंग प्रोवाइड करता है, ड्राई हेयर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जिन लोगों के केमिकल ट्रीटमेंट के बाद। एड लस्टर एंड शाइन टू योर हेयर्स, डीप नरिशिंग प्रोवाइड करता है हमारे हेयर फॉलिसिस को। इसका भी मैं लूँगी 200 ml। ये 300 ml की बॉटल थी तो मैंने 200 ml के राउंड अबाउट डाली है, और ये मेरे काम आएगा ग्रीन टी में डालने के काम आएगा। ग्रीन टी से याद आया कि ग्रीन टी की रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है, वेट लॉस का कावा, उसका लिंक भी ऊपर आ जाएगा कि आपने कोकोनट ऑयल को किस तरह उसमें ऐड करना है तो आप देख सकेंगे। इसमें ऐड करूँगी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मैं लूँगी 100 ml। ये 100 ml की ही बॉटल है इसलिए मैं इसको फुल ऐड कर दूँगी। कैस्टर ऑयल क्या करता है? मेक रूट स्ट्रॉन्गर एंड प्रिवेंट हेयर फॉल। हमारे रूट्स को ये स्ट्रेंथन करता है और स्ट्रॉन्ग करता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, इसलिए ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। स्प्रिट यूज़ नहीं कर सकते आप, इसको किसी भी ऑयल में मिक्स करके यूज़ करते हैं, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट है। जो लोग टाइम से पहले गंजे हो चुके हैं उनके लिए रिकमेंड किया जाता है कि वो कैस्टर ऑयल को अनियन वाटर के साथ या इस तरह डिफरेंट ऑयल का जो मिक्सचर्स हम ऐड करते हैं उसके साथ इसको मिक्स करके आप लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही थिक होता है तो इसलिए इसको किसी अदर ऑयल में मिक्स करके हम अपने बालों में यूज़ करते हैं। मैंने जा रही हूँ ब्लैक क्यूमिन ऑयल, जिसको हम कलौंजी का तेल भी बोलते हैं।
इसको भी मैं लूँगी 100 ml, ये भी 100 ml ही है इसलिए मैं फुल ऐड कर दूँगी। तो ब्लैक क्यूमिन ऑयल क्या करता है, हमारे रिस्टोर नेचुरली हेयर ग्रोथ इन थिन एरियाज के, मींस के जिन एरिया में हमारे बाल गिर चुके हैं और हमारी नीचे से स्किन नज़र आ रही है, उन एरियाज में रिस्टोर करता है हेयर ग्रोथ को, स्टॉप हेयर फॉल। हेयर फॉल ऑटोमेटिकली जब हेयर फॉल स्टॉप होगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, और न्यू हेयर्स भी ये हमारे बालों में लेके आता है। प्रिवेंट ग्रेइंग, जो प्रीमैच्योर हेयर ग्रे का प्रॉब्लम आ जाता है उसको ये स्टॉप करता है। कंडीशनिंग हेयर, हमारे बालों को नरिश करता है, कंडीशन प्रोवाइड करता है। प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है ये, और जितना भी डैमेज होता है हेयर फॉल की वजह से या वैसे स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं, हेयर डैमेज जिस भी टाइप का होता है ये उसको प्रिवेंट करता है। क्यूमिन सीड का पेस्ट टाइप नीचे रह गया था इसलिए मैंने इसमें ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, और इसको अच्छे से मिक्स करके ये भी इसमें डाल लूँगी क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें जाएं। ऑयल है वो है आमंड ऑयल, इसका भी मैं 100 ml लूँगी। आमंड ऑयल क्या करता है, आमंड ऑयल भी हमारे बालों को सॉफ्ट करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आमंड ऑयल रिच इन विटामिन B7 बायोटीन, सो आमंड ऑयल कीप हेयर्स एंड नेल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्ट फ्रॉम सन डैमेज क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली नेचुरली SPF 5 होता है जो हमें सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। मैं ऐड करूँगी 100 ml ही एलोवेरा ऑयल ऐड करूँगी। एलोवेरा ऑयल क्या करता है, हमारे बालों को शाइन प्रोवाइड करता है, स्मूथ करता है हमारे बालों को, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, इचिंग जो हमारी स्कैल्प में हो रही होती है उस इचिंग को स्टॉप करता है, रिड्यूस डैंड्रफ, कंडीशन योर हेयर्स, एक्ट एज अ कंडीशनर एंड लीव योर हेयर्स ऑल स्मूथ एंड। लास्ट में मैं ऐड करूँगी इसमें 4 विटामिन E के कैप्सूल। विटामिन ई हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है, हमारी स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करता है और स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है फॉर हेल्दी हेयर्स ग्रोथ। एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रेस को ये रिमूव करता है, स्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ को ये रिमूव करता है, प्रिवेंटिंग रिएक्टिव लेपर लेयर, नरिशिंग प्रोवाइड करता है हमारे हेयर्स को, ऑयल को लगाने की बारी है तो मैं अब इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। हेयर्स को अच्छे से आपने कॉम कर लेना है ताकि टेंगल फ्री हो जाए, और ये ऑयल आ गया जो हमने रेडी किया था, इसको आपने अच्छे से शेक करना है। शेक ताकि जो कैस्टर ऑयल और कलौंजी का जिस तरह कल मैंने दिखाया था कि वो थिक सा पेस्ट नीचे बैठ जाता है तो वो सारे ऑयल्स मिक्स हो जाए। टिप्स पे ऑयल लगाने और एक लेयर में आपने 10 times ऐसे 10 times ऐसे मूवमेंट करनी है। लेयरिंग कर करके और सारे बालों में इस तरह 10 times आपने इस तरह की सर्कुलेशन करनी है ऐसे ऐसे, और फिर आपने इस तरह लाइट हैंड से फुल बालों में इस तरह से मसाज कर लेना है ताकि ऑयल अच्छे से आपके रूट्स में पेनिट्रेट हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो ये ऑयल रूट्स तक जाएगा, और इसको फिर आपने रहने देना है 2 से 3 घंटे के लिए इसको रहने देना है। और एक मैंने वीडियो बनाई थी प्रॉपर ऑयलिंग पे कि ऑयलिंग करने से पहले
क्या करना चाहिए, ऑयलिंग के बीच में क्या करना चाहिए, मींस के किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, डज वो ऊपर मैं लिंक दे देती हूँ, वो जाइए वो वीडियो प्रॉपर देखिए, ऑयलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिलेगी। तो अब मैं अपने बालों में, सारे बालों में प्रॉपर ऑयलिंग करती हूँ। तो आप भी सेम ऐसा ऑयल बनाएं और इंजॉय कीजिएगा इस ऑयलिंग को। तो वीडियो आपने देख ली है और आपको इस राज का भी पता चल चुका है कि मेरे लंबे घने बालों का राज क्या है। दो बातें तो इसमें झूठी है, लंबे तो है लेकिन घने इतने नहीं है। वो भी इंशाल्लाह जब मैं ये ऑयल यूज़ करती रहूँगी इंशाल्लाह वो भी ज़रूर हो जाएंगे। और स्याह भी नहीं है, कलर डाई कर करके मैंने अपना ओरिजिनल कलर जो है वो गायब कर चुके हैं। लेकिन आपके बाल ज़रूर लंबे घने स्याह चमकदार और बहुत सारे जो मर्जी आप ऐड कर लें ये हो जाएंगे। करना क्या पड़ेगा, आपको ये ऑयल रेडी करना है, अप्लाई करना है और देन रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करने और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि कैसे लगे आपको इस मेडिकल ऑयल के रिजल्ट्स, कैसे लगे आपको ये रिजल्ट्स। तो मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। सो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, दुआ में लाजमी याद कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।